तो शनिदेव से जुड़े अंक का प्रभाव जरूर ही पड़ता है, किसी के लिए ये बहुत अच्छा होता है तो किसी के लिए बुरा भी। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि शनिदेव के रहस्यमय अंक का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, और वो प्रभाव अगर बुरा है तो कैसे उससे बचा जाए। चलिए जानते हैं। शनि ग्रह का अंक 8 से संबंधित है और जिससे भी जुड़ा है अंक 8 उसके जीवन पर रहता है शनि का प्रभाव। शनि का ये अंक आपको कभी संतुलित नहीं रहने देता, या तो कामयाबी के शिखर तक ले जाता है या फिर पूरी तरह नाकाम बना देता है। इसलिए अगर आपका अंक 8 है तो आपको बहुत सावधानी से जीवन में आगे बढ़ना होगा। यदि किसी का अंक 8 है यानी इसका मतलब कि उसके मालिक शनि है, यानी शनि यदि उसके मालिक है तो उसको जीवन में कठोर संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, बड़े बड़े संकल्पों को उसको लेना पड़ेगा, उस संकल्पों के मार्ग पर चलना होगा, तब उसे सफलता मिलती है। तो शनि का जो अंक है या किसी व्यक्ति का जो जीवन का अंक है, उसके ग्रहों का जो अंक है, मूलांक है, भाग्यांक है, उसके जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। उसके बिना उसके जीवन के कल्पना करना ही बेकार है। 8 अंक संघर्ष तो करवाता ही है, लेकिन ये अंक इंसान को साहसी, निडर और नियंत्रित भी बनाता है। ऐसे लोग इरादे के पक्के होते हैं। तो अगर अंक 8 आपसे जुड़ा है या फिर अंक 8 से आपका जीवन प्रभावित है तो किन सावधानियों और बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए अब आपको ये बताते हैं। लोगों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है कि इन लोगों के, जिन लोगों का वाइब्रेशन नेगेटिव है, जैसे 8 नंबर वालों का सबसे भारी होने वाला है, तो जैसे 2 नंबर हो गए या 4 नंबर वाले लोग हो गए, इन लोगों को 8 नंबर वालों से थोड़ा सा गैप बनाना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर का वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है, इन लोगों के जीवन में नेगेटिविटी भी वो भर सकता है। 8 नंबर वालों को स्वयं जीवन के अंदर पवित्रता और शुद्धता रखने की आवश्यकता है, नहीं तो उनका खुद का जीवन किसी, जिस प्रयोजन से वो आए हैं, जिस प्रयोजन का उनका लिखा गया प्रयोजन से भटक सकते हैं वो लोग। तो आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे तो इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। भोजन का शुद्धता भी अनिवार्य है, भजन की शुद्धता भी अनिवार्य है। जीवन में 8 अंक और इसके संयोग से बचे, जहां तक हो सके 4 और इसके संयुक्त अंकों से भी बचा जाए। अपने व्यवहार को शालीन रखें, अहंकार न करें, नशे और गलत संगति से बचाव करें और तंत्र मंत्र का प्रयोग बिल्कुल न करें। हमारा जीवन संघर्ष से उठकर जब हम लोग बड़े सफलताओं की तरफ बढ़ते हैं तब शनिदेव का योगदान होता है। उसी प्रकार 8 अंक वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में सफलता के शिखर में पहुंचने से पहले उसने तमाम प्रकार की यातनाएं और कष्टों को झेला होता है, तो शनि का यह 8 अंक व्यक्ति के उन्नत शिखर पहुंचाने में समर्थ होता है। लेकिन शर्त इस बात की है कि उसे बहुत कठिन श्रम से गुजरना पड़ता है। इस धरती पर शनिदेव के बारे में इतने मिथक हैं, जिसकी वजह से शनिदेव को क्रूर देवता माना जाने लगा है। ज्योतिषी कहते हैं कि शनिदेव ईमानदार और मेहनत करने वालों को कामयाबी देते हैं। शनिदेव अपने भक्तों को परम कल्याण की ओर भेजते हैं। शनि कभी किसी को यूं ही दंडित नहीं करते, और ना ही शनि किसी पर बेवजह अपनी टेढ़ी दृष्टि डालते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है और आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। शनि को न्यायाधीश कहा गया है। महा उपाय सबसे बड़ा है कि किसी व्यक्ति के प्रति आप हिंसा ना करें, आप न्यायप्रिय बने, उसको किसी भी प्रकार से कष्ट ना दें। शनि का वास वैसे भी माना गया है कि जो मजदूर होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं और जो पीड़ित होते हैं, चाहे वो स्त्री ही क्यों ना, उनकी मदद अवश्य करें तो शनि आपका अच्छा होने लगता है। अगर बाकी करें पूजन संबंधी बातों की बात, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए भैरव जी की उपासना बहुत अच्छा काम करती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा करने से, उनको चोला चढ़ाने से भी शनि आपको
प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर शनि के अंक 8 से आपको समस्या हो रही है तो कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं। जीवन में 6 अंक पर जोर दीजिए, खासतौर से 24 के अंक का खूब प्रयोग करें। शनिवार के दिन महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। काले और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करें। सलाह लेकर एक ओपल या मोती धारण करें। शनि के 8 अंक से बचने का महा उपाय है कि यदि हम लोग शनिवार दिन लोहे का दान करते हैं, ताले का दान करते हैं, ऐसा ताला जो चाबी तो लगी हुई हो लेकिन ताला खुला ना हो, यदि शनिवार दिन पीपल के पेड़ के नीचे दान कर दिया जाए तो शनि के इस 8 अंक के अशुभ प्रभाव से हम लोग साफ साफ बच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ हम लोग सरसों के तेल का दान करने से भी शनि के दोषों से बच सकते हैं। शनि मंत्र महामंत्र का जाप करें, दशरथ रचित जो शनि का स्रोत है उसका भी जाप करने से शनि के दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इस उपाय को आप अपना लीजिए, शनि देव की पूजा उपासना कीजिए और अगर संभव हो तो शनि के मंत्रों का जाप भी कीजिए, फिर आपके जीवन से सभी बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आगे हम आपको बताने वाले हैं शनि कृपा पाने का महामंत्र।